मोदी की राम भक्ति, राम पर डाक टिकट की किताब। किताब में 48 पन्ने, 20 देशों के राम डाक टिकट। राम मंदिर, चौपाई, सरयू नदी, सूर्य का भी अध्याय। भारत, अमेरिका, कनाडा से लेकर सिंगापुर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला और श्रद्धेय देवता का सम्मान करते हुए दुनिया भर के देशों द्वारा जारी भगवान राम की टिकटों पर एक पुस्तक जारी की। टिकटों को स्पेशल बनाता है इसका डिजाइन। इसे 6 अलग अलग तरीके से सजाया गया है। साथ ही यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाता है। इनमें स्वयं राम मंदिर, कालजयी चौपाई, मंगल भवन अमंगलहारी, सूर्य की दीप्तिमान चित्रण, पवित्र सरयू नदी और मंदिर में उसके आसपास मिली मूर्तियां शामिल हैं। कलेक्शन के 6 टिकट रामायण के प्रमुख पात्रों और तत्वों को दिखाते हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, क्वेटराज और मां शबरी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा, आज मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े एक और कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। आज राम मंदिर को समर्पित 6 डाक टिकट जारी किए गए। इसके अलावा दुनिया भर में भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक डाक टिकटों को सौंदर्य बनाया गया है, जिसमें सूर्य की किरणों की एक सोने की पत्ती और चौपाई भी शामिल है। इन टिकटों को जो अलग करता है वह पंचभूत यानी 5 भौतिक तत्वों, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल का समावेश है। विभिन्न डिजाइन तत्वों के माध्यम से टिकटें पंच महाभूतों के पूर्ण सामंजस्य का प्रतीक है, जिन्हें हिंदू दर्शन में सभी अभिव्यक्तियों के लिए आवश्यक माना जाता है। बता दें कि डाक टिकट विमोचन के साथ 48 पृष्ठों की एक पुस्तक भी है, जो भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों को प्रदर्शित करती है। इस संग्रह का उद्देश्य दुनिया भर की विविध समाजों पर भगवान राम की सार्वभौमिक अपील और प्रभाव को रेखांकित करना है। डाक टिकट की किताब आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।